मधुबनी में नाव पर निकली बारात जैसे तैसे दुल्हन के घर पहुंचे बराती। बिहार में हो रही झमाझम बारिश के कारण कई नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण मधुबनी जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके कारण लग्जरी गाड़ियों की जगह शादी के लिए दूल्हे को चिलचिलाती धूप में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये ताजा वाक्या मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड का है, जहां मोहम्मद कमलुद्दीन के बेटे को नाव पर चढ़कर सहरसा के डरहार ओपी थाना क्षेत्र के बढ़ारा गांव बारात लेकर जाना पड़ा। यहां के निवासी मोहम्मद बशीर की बेटी से कमलुद्दीन के बेटे का निकाह हुआ। बारिश के बाद मधेपुर प्रखंड में इन दिनों कोसी नदी अपने उफान पर है। यही कारण है कि यहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस बीच परबलपुर गांव निवासी मोहम्मद एहसान की बारात सोमवार को नाव से दुल्हन के घर जाने के लिए रवाना हुई। सिर पर सहरा सजाए दूल्हे मोहम्मद एहसान के पिता मोहम्मद कमलुद्दीन जहां अपने बेटे की शादी को लेकर खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर बाढ़ के कारण हो रही परेशानी साफ दिख रही थी। मोहम्मद कमलुद्दीन ने बताया कि मेरे बेटे की शादी की तिथि एक महीने पहले ही निर्धारित हो गई थी। इस बीच कोसी नदी में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिस कारण बारात जाने के लिए हम लोग कार की जगह नाव को भाड़े पर ले रहे हैं। नाव पर दूल्हा सहित करीब 30 से 65 बाराती सवार थे। सभी को काफी परेशानी हो रही थी। बारातियों ने कहा कि ये शादी हम सब के लिए यादगार बन गई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।